क्या इंस्टाग्राम एक ब्रॉथल बन चुका है? क्या इंस्टाग्राम बस एक अश्लील प्लेटफॉर्म बनकर ही रह गया है? इंस्टाग्राम स्टार्टेड एज ए फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म वेयर पीपल कैन शेयर देयर मेमोरीज विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, पर जनाब अब तो इंस्टाग्राम पर फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने में भी शर्म आती है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? अगर हाँ तो आप भी उन कई यूजर्स में से एक हैं जिन्हें अब इंस्टाग्राम शो बिजनेस एंड न्यूडिटी का सेंटर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। पर अगर आप उन ऑडियंस में से नहीं हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज आपका नज़रिया चेंज होने वाला है और आज आप ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर शायद आपका दिमाग भी चकरा जाए। तो इसी के साथ मैं प्रमोद राज शुक्ला आपका स्वागत करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो में, जिसमें शायद हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे सब इग्नोर करते हैं, पर यह एक ऐसा टॉपिक है जिसे रेज करना मेरा फर्ज बनता है ताकि यूथ एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ सके अपने लाइफ में। इंस्टाग्राम शो बिजनेस और न्यूडिटी को समझने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि एज ऑफ जनवरी 2023 इंडिया हैड ए टोटल ऑफ 470.1 मिलियन इंस्टाग्राम यूजर्स, द लार्जेस्ट इंस्टाग्राम ऑडियंस इन द एंटायर वर्ल्ड, विच इज ऑलमोस्ट 34.4% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जिसमें मोस्ट इंस्टाग्रामर्स की एज 18 टू 24 की रेंज में है, जिन्हें मैनिपुलेट करना या इन्फ्लुएंस्ड होना बहुत ही आसान है। वहीं इंस्टाग्राम ने सिर्फ इंडिया से ग्रॉस एड रेवेन्यू में टोटल 16,189 करोड़ का बिजनेस जनरेट किया, which is growing at year on year rate of 74%. हम सभी जानते हैं कि जहां भी इतने बड़े अमाउंट में पैसा इन्वॉल्व होता है वहां एक डेंजरस एंड डार्क रियलिटी हमेशा होती है, और इसी सोशल मीडिया के डार्क वर्ल्ड में इंडिया का यूथ आज डूबता जा रहा है। हमारे देश के युवा जो कि 18 से 24 साल के ब्रैकेट में आती है, वो सोशल मीडिया पर अपना बहुत अधिक समय बिताते हैं और उनके इन ऐप से निर्भरता भी बहुत तेजी से बढ़ती नजर आती है। हमारे युवा किस तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर जुड़े हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फेसबुक पर देश के 97.2 मिलियन और इंस्टाग्राम पर 69 मिलियन वो भारतीय यूजर हैं जो 18 से 24 साल की उम्र के हैं। आज के समय में जहां हमारे व्यूअर्स का टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है, वहां पर सोशल मीडिया पे ग्रो करना बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन हमारा यूथ कम समय में नेम ऑफ फेम अचीव करना चाहता है, अटेंशन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हम सभी जानते हैं उर्फी जावेद को एंड मेट्रो का नाम से फेमस हुई रिदम चंदाना को। उर्फी जावेद एक टीवी एक्ट्रेस है, वो भैया की दुल्हनिया में अनी की भूमिका निभाने वाली, मेरी दुर्गा में आरती, बेपनाह में बेला की भूमिका और ऑल्ट पर फेमस पंच बीट सीजन 2 में मीरा की भूमिका निभाने वाली एक जानी मानी हस्ती है। इसी के साथ वो बिग बॉस ओटीटी प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने वाली पार्टिसिपेंट्स रही हैं। फिर अचानक से ये न्यूडिटी क्यों? इसका आंसर आप उनके मुंह से ही सुनिए। फेम, मनी, क्योंकि मेरे पास ये चीजें थी नहीं कभी बचपन में, एंड व्हेन आई से फेम बचपन में नहीं था, मतलब अटेंशन। और वही बात करें रिदम चंदाना की, तो उसने इंस्टाग्राम पे 2022 में वीडियो डालना स्टार्ट किया था जो काफी डिसेंट कपड़ों में होता था। उसने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, द एक्ट ग्रुप दैट, वहां उसने काफी सारे शोज होस्ट भी किया, काफी थिएटर शोज चंडीगढ़ में भी किया। शी वॉज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द विनर्स ऑफ द डिजिटल कॉन्टेस्ट, बट इतना कुछ करने के बाद भी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। तो अप्रैल 2023 में वो दिल्ली मेट्रो में बिकनी में ट्रैवल करती हैं, जिनसे उनको रातों रात वो पॉपुलैरिटी मिल जाती है जिसका खामियाजा उनको जिंदगी भर परेशान करता रहेगा। तो कहाँ हैं आज रिदम? क्यों नहीं दिख रही हैं वो? सेफ हैं कि नहीं है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ एक उर्फी या रिदम की बात नहीं है, ऐसे कई और हैं जो अभी क्यू में हैं, जिन्हें हो सकता है हम जल्दी मिलेंगे किसी एक और प्लेटफॉर्म में या फिर मेट्रो स्टेशन पे या फिर किसी पब्लिक प्लेस पर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? आप जब भी किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर का टॉक शो देखें या इंटरव्यू देखें तो आप जरूर गौर करिएगा कि इनके अंदर कितना गुस्सा भरा होता है। ये बहुत गुस्से में होते हैं। शक्ल देखिए अपनी। Whatever I am, I'm 1000 times better than you. ये जानते हुए कि उनका एक्ट या ड्रेस एप्रोप्रिएट नहीं है, फिर भी वो अपने आप को प्रूव करने के लिए लगे रहते हैं। क्यों? यहाँ उर्फी और रिदम अगर दोनों के पेरेंटिंग हिस्ट्री को देखें तो दोनों का कहना है उन्हें अपने पेरेंट्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस को फेस करना पड़ा था, जिससे उनका बचपन काफी अफेक्टेड था, जिससे इन दोनों के अंदर एक रिबेलियन नेचर को डेवलप कर लिया था।
समाज के प्रति और हर उस इंसान के प्रति जो उन्हें किसी भी काम करने से मना करता था। सोशल मीडिया का निरंतर इस्तेमाल कई तरह से परेशान करने वाला, रिस्की कंटेंट, व्यवहार में बदलाव, लुक्स और बॉडी को लेकर गलत अवधारणा, खुद को दूसरे से कम समझने ऐसे ख्याल मन में काफी हावी होने लगते हैं और ये युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डालते हैं, जिससे उनके अंदर एक हीन भावना आ जाती है, एक गुस्से के साथ जो उनसे कुछ भी करवाता है। उनको ऐसा बनाने वाला कौन है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और आपको ये भी बता दूं कि सोशल मीडिया एंड सोसाइटी का बहुत ही गहरा रिश्ता है। ऐसे कई सारे केसेस आपको मिल जाएंगे सोसाइटी के ड्यू टू साइबर बुलिंग, इनसिक्योरिटी, इमोशनल डिस्ट्रेस और अल्टीमेटली सोसाइटी। तो आपको ये लगता होगा कि यही एक इश्यू है जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ। रुकिए जनाब, रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, ये तो बस ट्रेलर था। अब सुनिए इंटेल वर्ल्ड के बाद की स्टोरी, जैसा क्लाइमैक्स काफी हॉरिफाइड होने वाला। ये जितने इन्फ्लुएंसर जो कि ये नंगा नाच आज कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि उसके पीछे एक ऐसा ग्रुप पड़ जाता है जो उन्हें एक ऐसे दलदल में खींच लेगा जहां से निकलना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। आप किसी भी इंस्टाग्राम पेज के कॉमेंट सेक्शन में चले जाइए। आई एम नॉट टेकिंग द नेम्स बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पेजेस। जितने भी फेमस पेजेस आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगे, उनके कॉमेंट सेक्शन को जरा स्क्रॉल करके देखिए। मैं बताऊं आपको 70% कमेंट्स में क्या मिलेगा? पेड सर्विसेज, न्यूड वीडियो कॉल, सेक्सटिंग, न्यूड एल्बम्स ऑफ गर्ल्स विद प्राइस टैग्स। आप उनके आईडी को अगर खोल कर देखेंगे तो आपको आधा पॉर्न साइट दिख जाएगा यार, आधा पॉर्न साइट। जी हाँ, एंड दिस इज द हिडन डार्क बिजनेस ऑफ इंस्टाग्राम। आपको उनके आईडी पर रेट्स टैग तक मिल जाएंगे फॉर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल। आप अगर उनके आईडी की फोटोज को देखेंगे तो वो आपको बहुत ही सीधे साधे लगते हैं। अगर वो आपके सामने पर्सनली आ जाएं, राह चलते आपको मिल जाएं, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये वही लोग हैं जो इंस्टाग्राम पे हैं, जिनके रेट्स हैं। लाइक सीरियसली, कहाँ जा रही है आज की जनरेशन? आई कॉन्ट बिलीव माई आईज। मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आती है, पर हमारी जनरेशन को करते हुए भी नहीं। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि क्या सही है, क्या हमारी संस्कृति है, क्या यही हमें सिखाता है हमारी परवरिश। अरे, संस्कृति और परवरिश की हत्या तो हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, बहुत पहले कर दिया। बस देखना यह है कि अब की जनरेशन हमारी संस्कृति और परवरिश को छोड़कर किस डायरेक्शन में जाए। पर अभी तो कहानी शुरू हुई है मेरे भाई। यह काला धंधा ही नहीं, भोले भाले विद नॉट सो भोले वाले विचार वाले इसमें फंस जाते हैं। तो चलिए खोलते हैं इसका कच्चा चिट्ठा, ताकि कभी आप भी फंस जाएं तो समझ में आए कि कैसे निकलना है। फंसे हैं क्या? नहीं, अच्छी बात। आपको इंस्टाग्राम पे एक आईडी मिलती है जिसे आप चैट करने लगते हो, बट उस स्क्रीन के पीछे कौन बैठा है ये कोई नहीं जानता। ऐसे लाखों करोड़ों फेक आईडीज रोज बनती हैं। जरूरी नहीं जो आपको इंटरनेट पे दिखे वही सच हो। आप क्या जानते हो उस सो कॉल्ड लड़की के बारे में, जिस लड़की के पेड सर्विसेज के एक प्रोफाइल में आप जा रहे हैं और वो असल में एक लड़की है ही नहीं, या कोई लड़कों का गैंग बैठा है जो आप जैसे युवक को फंसाने में माहिर हो? चलिए जानते हैं कि आखिर काम कैसे करते हैं। तो बात यूं है कि आप उनके सो कॉल्ड हॉट बॉडी को देखकर अट्रैक्ट होते हो, पैसे देते हो और नेक्स्ट सेकंड में आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। कितने स्टूपिड हम वगैरह। नेक्स्ट वन, आपने पे कर दिया और आपके सामने कॉल भी आ गया, आपने वीडियो कॉल उठाया, आपको सामने एक लड़की दिखी और जिस काम के लिए आपने पैसे दिए हैं वो आप काम आपने शुरू कर दिया है, पर अचानक से आप देखते हैं कि उसका वीडियो बहुत ब्लर हो रहा है और म्यूट भी हो गया। जानते हैं ऐसा क्यों भाई? जो स्क्रीन के उस साइड बैठा है, जी हाँ मैंने कहा बैठा है, नॉट बैठी है, बैठा है, वो बस कैमरा के सामने अपने फोन पर उस लड़की के वीडियो आपको दिखा रहा था और अपने जवानी के जोश में होश खो दिया। अपना सो कॉल्ड प्राइवेट वीडियो उनके हाथ में थमा बैठा। और जरूरी नहीं कि वो एक सिर्फ लड़का ही हो, आजकल लड़कियां इस बिजनेस में काफी आगे निकल गई हैं। आपने यही चीज इंस्टाग्राम में किसी लड़की के साथ किया और करते वक्त आप उसने आपकी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लिया। ये कोई छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब वो सामने बैठे शख्स का शुरू होगा ब्लैकमेल। वो आपको धमकाते हैं कि अगर आपने उनको मुंह मांगी पैसे नहीं दिए तो वो आपकी वीडियो को वायरल कर देंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देंगे। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज हनी ट्रैप। साउंड्स गुड राइट? नॉट सो गुड व्हेन यू नो द रियलिटी। विशाखापट्टनम में ऐसे एक मिडिल एज मैन इसका शिकार हो चुके हैं। उन्हें एक मैसेज आता है, कॉल मी हनी इफ यू नीड मी, इफ यू नीड ए फ्रेंड।
अब उसने आओ देखा ना ताओ जाके सीधे मैसेज कर दिया और वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती साबित हुई। धीरे धीरे बात करना स्टार्ट किया, इतना बात किया कि वो ट्रैप में फंस गया, इतना फंस गया कि उसने न्यूड कॉल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम न्यूड कॉल पे जाएंगे। बस फिर क्या था, सामने कोई लड़की नहीं बल्कि एक पूरी गैंग ऑपरेट कर रही थी। उन्होंने उस इंसान से 24 लाख रुपए की ठगी कर ली। जी हाँ, 24 लाख, एक 5 मिनट की गलती का दाम 24 लाख पड़ा। अब मरता क्या ना करता, ब्लैकमेल में ये कहा गया कि वीडियो को हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देंगे, आपको बदनाम कर देंगे, इस पर कोई भी इंसान होगा तो वो पे करेगा और कितना भी पैसा दे देगा, देना पड़ेगा उसको। एंड यही है उन ऑपरेटर्स का प्लान, टू टेक मनी फ्रॉम। पुलिस ने जब उस गैंग पर छापा मारा तो उन्हें 3.5 लाख रुपए, बहुत सारे मोबाइल फोन्स, ATM कार्ड और लैपटॉप मिले। दिस इज ए स्कैम जो रोज कई घर उजाड़ देता है भाई। अगर आप कभी खुदा ना करे इस सिचुएशन में फंस जाएं तो तुरंत पुलिस में कंप्लेन करें, उन ब्लैकमेलर्स के झांसे में ना आए, कुछ कोई नहीं खड़ पाएगा। आप सीधा कंप्लेन करिए उसके लिए और डरने की जरूरत नहीं है इसके लिए भाई। ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच के रहना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपना पर्सनल डेटा कभी किसी को मत देना। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, मत देना। आपको नहीं पता कि सामने वाला कब उस चीज़ का फायदा उठाकर आपको नीलाम कर दे। दिस इज द डार्क साइड ऑफ इंस्टाग्राम, प्लीज बी अवेयर। और ऐसा ही केस बताता हूँ आपको जसनीत कौर का, जो कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करती है टू पोस्ट सेमी न्यूड फोटोज एंड वीडियोस ऑफ हरसेल्फ टू अट्रैक्ट रिच मैन। आफ्टर फाइंडिंग हर टारगेट वो उनसे चैट करना स्टार्ट करती है, बहुत लंबी लंबी चैट, और चैट कैसी चैट वो आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद वो रिकॉर्ड करती हूँ सारे चैट को जिससे वो पैसे मांग सके एट ए लेटर स्टेज। यही है काला सच जिसमें ना जाने लाखों लोग डेली फंसते हैं, और जसनीत जैसे लड़कियां भरे पड़े हैं इंस्टाग्राम पे। अगर आप स्क्रॉल करोगे या देखोगे भरे पड़े हैं लोग। तो क्या हमारी यूथ यहां जा रही है इन ब्लैक स्कैम्स में, इन न्यूड कॉल्स स्कैम्स में? इस फीमेल अट्रैक्शन से डिप्रेशन का सफर कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। हम आज इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि हमें यूथ को जागरूक करना पड़ता है कि ऐसे चीज़ें मत करो, जबकि यूथ एक नया फ्यूचर लेके आता है। क्या हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं? इसलिए मैं एज ए लाइफ कोच, एज ए करियर एडवाइज़र इस वीडियो को बनाने से पीछे नहीं हट सकता। मुझे पता है बहुत से यूट्यूबर्स इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, पर मैं पीछे नहीं हट सकता। अब इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है वो आप पर डिपेंड करता है कि कितना टाइम आप इंस्टाग्राम पर बिताते हो और क्या सर्च करते हो, किसको फॉलो करते हो, वो आपका चॉइस है। लेकिन प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, बट जाने से पहले हमें आपके प्यार के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि इस तरह के ऐसे टॉपिक्स पर आवाज़ उठा सकें। कोई तो हो जिसे बोले, किसी को तो उठाना पड़ेगा ऐसे टॉपिक्स को इस YouTube चैनल पर, और मैंने ये बीड़ा लिया है कि मैं ऐसे टॉपिक्स बनाता रहूँगा। विद दिस वर्ड्स मैं आपका शुभचिंतक आपसे अलविदा लेता हूँ और वादा करता हूँ लौटूंगा एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जितने वीडियोस देख रहे हैं आप लोग, स्टे ट्यून एंड टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बड़ा नमस्कार छोटे को प्यार।